दोस्तों उत्तर कुमार को लेकर उनके दर्शकों में आजकल काफ़ी निराशा है, क्योंकि बहुत समय से उनकी कोई भी ऐसी फिल्म देखने को नहीं मिली है जिनमें उत्तर कुमार का कोई लंबा रोल हो। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि पिछले दिनों उत्तर कुमार ने अपने जीवन की सबसे महत्वाकांक्षी फिल्म बनाई जिसका टाइटल था तगड़ा भाई एमएलए साहब। देखो जो गलती हो गई सो हो गई, तुम्हारी छोरी तुम्हारे पास और हमारा छोरा हमारे पास, अब हम इसे ना रोक के रखेंगे। इसका ट्रेलर रिलीज हुआ था 5 अप्रैल 2023 को। और यू मेरी गारंटी है यू तुम्हारी छोरी की ओर को आंख भी उठा के ना दिखे। और जैसे ही दर्शकों ने इसका ट्रेलर देखा, इसमें उत्तर कुमार नजर नहीं आए, उनके दर्शकों में निराशा छा गई। लेकिन दोस्तों उत्तर कुमार के बहुत ही कम फैन ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि उत्तर कुमार ने कितने दिल से इस फिल्म को बनाया। बड़े बजट, खूबसूरत लोकेशन और नई स्टार कास्ट के साथ इस फिल्म के किसी भी पहलू पर उन्होंने समझौता नहीं किया। धमीर, अपने बेटे को नहीं बचाओगे पहले? वो शेर का बच्चा है, खुद संभाल लेगा। क्या आप जानते हैं इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या था? दोस्तों इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये था कि इस फिल्म ने उत्तर कुमार ने अपने बेटे को इंट्रोड्यूस किया था जिनका नाम है प्रभात कुमार धामा। ये फिल्म 14 अप्रैल 2023 यानी बैसाखी के दिन रिलीज हुई थी। हालांकि इस फिल्म में उत्तर कुमार नहीं थे, लेकिन उत्तर कुमार की टीम के लगभग सभी कलाकारों ने इस फिल्म को जबरदस्त तरीके से प्रमोट किया। इसके बावजूद इस फिल्म को दर्शकों का पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला और फिल्म लगभग फ्लॉप हो गई। हालांकि यूट्यूब पर फ्लॉप और हिट होने का कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि उत्तर कुमार की किसी भी नई फिल्म को लगभग 20 मिलियन से लेकर 50 मिलियन तक व्यूज मिल जाते हैं। लेकिन यह फिल्म अपने रिलीज के 2.5 महीने के बाद भी 6 मिलियन व्यूज तक नहीं पहुंच पाई है। हालांकि इस फिल्म के निर्माता, निर्देशक और लेखक भी खुद उत्तर कुमार हैं, लेकिन इस फिल्म के फ्लॉप होने की सबसे बड़ी वजह भी यही रही कि इस फिल्म में उत्तर कुमार कहीं भी नहीं दिखे। दर्शकों के तमाम कमेंट से ये जाहिर होता है कि दर्शकों को उत्तर कुमार ही चाहिए और वो उनकी अनुपस्थिति से काफी नाखुश नजर आए। हालांकि इस फिल्म में अपनी अनुपस्थिति की वजह को बताते हुए एक इंटरव्यू में उत्तर कुमार ने बताया था कि इस फिल्म का सब्जेक्ट काफ़ी दिनों से उनके दिमाग में चल रहा था और इस फिल्म का विषय जो कि एक स्कूल पर आधारित था, तो वो ऐसा रोल नहीं कर सकते थे जिसमें कि वो किसी छात्र का रोल निभा सकें। और इस फिल्म की कहानी के अनुरूप ही उन्होंने स्टार कास्ट में इस बात का ध्यान रखा कि नए कलाकार, नई ऊर्जा से भरे हुए, नई लोकेशन और मधुर संगीत से सजी हुई ये फिल्म हो। दोस्तों इतनी मेहनत और इतनी लगन के बावजूद ये फिल्म क्यों पिटी, इसका कारण हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में। तो बने रहिए हमारे चैनल पर और हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।